मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आई है। तीनों राज्यों के जनताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास जताया है। वहां के जनताओं वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने योगीडीह गांव में 2 PCC पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास और चंदन क्यारी विधानसभा के अमलाबाद व बिजुलिया मंडल में भाजपा के कार्यकर्ताओं सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि आज अगर झारखंड प्रदेश में कई जमींदार हैं तो सबसे बड़ा जमींदार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के परिवार है। आदिवासी दलितों व गरीबों के जमीनों को होने पौने दाम पर लूट लिया है। वहीं आजसू पार्टी के एक वरीय सह देवग्राम पंचायत के उप मुखिया धीरेन्द्र नाथ महतो को नेता प्रतिपक्ष ने माला पहनाकर भाजपा में सदस्यता ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री जयदेव राय, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अंबिका खवास, विधायक प्रतिनिधि विनोद गौराई, मंडल अध्यक्ष पंकज शेखर, मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय रजवार, मुखिया मदन रजवार, युवा नेता राकेश मुखर्जी, संतोष रवानी, विकास मोदक, रीना देवी, प्रणव मुखर्जी, धीरेन्द्र रवानी, संजय साव आदि उपस्थित थे। देखिए, तीन राज्यों में हमारा प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी की वापस सरकार आई है उनके नेतृत्व में। यह मोदी की गारंटी है, कोई देश में कोई दूसरा गारंटी नहीं चलता है, मोदी के गारंटी, मोदी का मैजिक ही चलता है। और 2024 के लिए यह एक, मैं कह सकता हूँ, रिहर्सल है। 2024 में 350 के आंकड़े को पार करके ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी वापस तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 के आम विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जनता के द्वारा बनाई। भाजपा की सेमीफाइनल जीत हुई है, यह तो सेमीफाइनल क्या है, हम लोग तो हर बार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव आखिरी था, एक आखिरी राज्यों का आम चुनाव था और इसने जनता के मूड को दिखला दिया है और बता दिया है कि पिछले 5 साल में जो विपक्ष मोदी जी को घेरने के लिए जो तमाम तरह के अतकंडे अपना रहे थे, चाहे वो तुष्टीकरण हो, वोट बैंक का, वंशवाद का हो, या फिर जो है वो झूठी घोषणाओं का हो, प्रलोभन का हो, लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने का हो, कई एक चीज़ें करके जो सत्ता में आए थे, आज उनका पर्दाफाश हो गया है और वापस लोगों ने यह जान लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, इसलिए वो वापस कमल का बटन दबाए हैं और आगे के लिए भी रास्ता प्रशस्त किए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और यहाँ के कल्याण मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जाति ग्राम के उन्नयन के लिए कुछ फंड होता है, अनुसूचित जाति विकास निगम, उसी के तहत 2 योजनाओं का आज हम लोगों ने देवग्राम में शिलान्यास किया है। ये दोनों ही योजनाएँ गाँव के लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोगी होगी और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से, बिजुलिया और अमलाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने एक छोटी बैठक भी करी है। चंदन क्यारी, झारखंड की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने बात की है।